ट्रेंड पुजास किचन में आपका स्वागत है। जब कभी भी हम घर पे दाल बनाते हैं और वो ज्यादा क्वांटिटी में बन जाती है या फिर बच जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता है इस बची हुई दाल का क्या करें। तो मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि मैंने बची हुई दाल से बनाया हुआ है। तो फिर उसको बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया हुआ है और मेरा लगभग 1.5 कटोरी दाल बच गया था, तो सारा का सारा दाल मैंने आटे में ट्रांसफर कर दिया है। और फिर उसके बाद जो मैंने मीडियम साइज का शिमला मिर्च बहुत ही फाइन चॉप करके इसमें ट्रांसफर कर दिया, एक मीडियम साइज का प्याज था उसको भी बहुत ही फाइन चॉप किया, एक मैंने हरी मिर्ची ली उसको भी फाइन चॉप कर लिया था, और लगभग आधा बाउल मैंने हरी धनिया लिया इसको भी बहुत ही फाइन चॉप करके प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि आपकी इस दाल में भी नमक था तो आप उसके हिसाब से नमक लीजिए। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और फिर उसके बाद में लगभग 1/3 टीस्पून जीरा लिया, इसको मैंने हाथ से मसक के फिर ट्रांसफर किया है। सेम 1/4 टीस्पून अजवाइन लिया हुआ है, इसको भी मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, आप घी भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मेरा आटा थोड़ा सा गीला रह गया था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा और सूखा आटा ऐड कर दिया और इसका एक साफ सा डो बना लिया है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर लगभग 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल लगा करके डो को ग्रीस कर दिया। तो उसके बाद हम तुरंत पराठे बना लेंगे, हम बिल्कुल ही इसको होल्ड पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर होल्ड पे रखेंगे तो आपका आटा है और गीला हो जाएगा। उसके बाद में आप सारे आटे को इक्वल साइज की लोई बना लीजिए और फिर आपको जिस भी शेप का पराठा चाहिए आप उस शेप के पराठे बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3 शेप के पराठे बनाए, एक तो मैंने स्क्वायर शेप का पराठा बनाया हुआ है, दूसरा मैंने थोड़ा सा लच्छा पराठा का शेप दिया हुआ है, तो इस तरीके से मैंने कट कट के रोल कर दिया था और उसको सर्कुलर शेप में बेल लिया। तो आपको जितना भी पतला पराठा बनाना है आप उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। और जो तीसरा पराठा मैंने है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाया हुआ है, तो आप पहले गोल पराठा बेल लीजिए, उसके बाद में उसे रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड करके आप उसे बेल इन की हेल्प से एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैंने तीनों शेप के पराठे बेल के रेडी कर लिया है, अब इनको मैं सेक लेती हूँ। तो तवा को पहले आप गर्म कर लीजिए, उसके बाद में तवे पे पराठे को ट्रांसफर कर दीजिए और आप इसमें घी लगा लीजिए, कोई भी कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैंने घी लगा करके सिका हुआ है। तो आपके पराठे दोनों साइड से आप अच्छे से इसको सेक लीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पराठा पक गया है, सिक गया है और ब्राउन सा पराठा आया है। इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग आपके पराठे हैं स्क्वायर शेप का और रेक्टेंगुलर शेप का, वो भी पराठा आप अच्छे से सेक लीजिए। आपके कोई भी दाल बची हो तो उस दाल से आपके पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने के लिए अरहर की दाल का इस्तेमाल किया हुआ था, आप बहुत ही पुरानी दाल मत इस्तेमाल कीजिएगा, मेरी रात में जब हमने दाल बनाया था तो बच गई थी, तो उसी दाल का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है पराठे बनाने के लिए। तो हमारे तीनों पराठे पक के रेडी हो गए हैं, तो अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक प्लेट में तीनों पराठे रख लिए और एक सॉस के साथ में इसको सर्व किया। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो सकती है, तो आप इसको चाय के साथ में इंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें।